हे फूडीज, वेलकम बैक। आज की रेसिपी है कर्नाटका और महाराष्ट्र का स्पेशल झुनका। बहुत ही इजी रेसिपी है, तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए 2 कप बेसन, थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करके फ्लोई कंसिस्टेंसी का घोल तैयार कर लेना है। जब घोल तैयार हो जाए तो इसमें एक भी गांठे नहीं होना चाहिए, आपको तब तक इसे मिक्स करना है। बेसन का घोल तैयार है, इसे साइड में रख दे। अब ग्राइंडर में 1 बड़ी चम्मच जितना जीरा डाल देंगे, कुछ कड़ी पत्ते डाल देंगे, 6 से 8 हरी मिर्च, 1 इंच अदरक, 5 से 8 लहसुन की कलियां अगर छोटी है तो, कुछ हरा धनिया, 1 छोटी चम्मच जितना नमक डालकर इसे दरदरा पीस लेना है। हरा पेस्ट तैयार है, इसे भी साइड में रख दे। अभी एक ट्रे या प्लेट को आप तेल लगाकर रेडी करके रख ले। अब पैन में 4 बड़ी चम्मच तेल डाल देंगे, आधी छोटी चम्मच राई, आधी छोटी चम्मच जीरा, एक बारीक कटा हुआ प्याज डाल देंगे इसमें। इसे ट्रांसलूसेंट होने तक पकाना है, इसे ब्राउन करने की कोई जरूरत नहीं है। दरदरा पीसा हुआ जो हरा पेस्ट है अब उसे हम डाल देंगे। इसे भी अच्छे से आप मिलाकर पकाएं जब तक इसमें से कच्चा स्मेल ना चला जाए। जितना मैंने हरी मिर्च इसमें डाला है उससे आपको इतना स्पाइसीनेस नहीं मिलेगा। अगर आपको ज्यादा तीखा पसंद है तो आप हरी मिर्च ज्यादा डाल दें। अब इसमें हम हींग डाल देंगे थोड़ा सा, और आधी छोटी चम्मच हल्दी। दो बड़ी चम्मच जितना इमली का पल्प डाल देंगे इसमें, और थोड़ा सा गुड़ डाल के अच्छे से मिलाना है। अच्छे से मिलाकर इसे 2 मिनट तक पका लेना है। अब इसमें 1 छोटी चम्मच जितना नमक डाल देंगे। ध्यान रखिए कि इसे ज्यादा ना डालें, क्योंकि जब हमने हरी मिर्च का पेस्ट बनाया था उसमें हमने ऑलरेडी 1 चम्मच जितना नमक डाला था। अब इसमें बेसन का घोल डालकर अच्छे से मिलाना है। इसे लगातार चलाते रहना है धीमी आंच पर, जब तक ये गाढ़ा ना हो जाए। बहुत ही हेल्दी रेसिपी है और झटपट से बन जाता है। जो वेट लॉस करना चाहते हैं वो अपने डाइट में इसे इंक्लूड करें। पानी सूख चुका है और गाढ़ा बन चुका है, और पैन से भी नहीं चिपक रहा है। इसे 5 मिनट तक ढककर धीमी आंच पर सिमर करें। अब ये अच्छे से पक चुका है, तुरंत ग्रीस किए हुए प्लेट में इसे डाल दें। इसे चम्मच या अपने हाथ की मदद से अच्छे से फैला लें प्लेट में। आप बेलन की मदद से भी इसे ऊपर से इवन कर दें। इस पर सफेद तिल को स्प्रिंकल कर लेना है। इसके ऊपर थोड़ा सा कद्दूकस किया हुआ फ्रेश नारियल डाल देंगे। अगर आपके पास नारियल नहीं है तो सिर्फ सफेद तिल भी डाल सकते हैं। ऊपर से थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे। सफेद तिल, नारियल और हरा धनिया इस पर अच्छे से चिपक जाए इसके लिए बेलन से हल्के से प्रेस करें। 2 मिनट रख के चाकू या पिज्जा कटर की मदद से स्क्वायर या डायमंड शेप में या और कोई शेप में छोटे छोटे पीसेस में काट ले। अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं और आप घर की रोटी सब्जी खाना पसंद करते हैं सफर में, तो ये एक बढ़िया ऑप्शन है, क्योंकि स्पिल होने का कोई डर नहीं रहता। जैसे दूसरी सब्जियों से तेल और पानी बाहर आ जाता है और सब कुछ मैसी हो जाता है। ये हाई प्रोटीन वाला सब्जी है, हेल्दी भी है, तो आपको बहुत देर तक भूख भी नहीं लगेगी। इसे जवार रोटी, चपाती या फिर फुलके के साथ एंजॉय करें। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।